नमस्कार दोस्तों, अपना सीआरपीसी का स्टडी आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 320 एंड सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 320 करस्पॉन्ड्स टू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड 321 करस्पॉन्ड्स टू विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो दोनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम है चैप्टर 24 सीआरपीसी जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स पे। तो पहले पढ़ेंगे सेक्शन 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ओके, तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? हमने बहुत बार ये देखा है कि क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट एंटायर सोसाइटी, एंटायर स्टेट। ओके, तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ विक्टिम का, जिसका आपने मर्डर किया है उसके अगेंस्ट ही आपने रॉन्ग किया है, ये तो पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट आपने रॉन्ग किया है। ओके, तो इसके लिए क्या है, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है या कॉम्प्रोमाइज होता है, वो जैसे सिविल में होता है, क्रिमिनल में वो इतने इजीली हो नहीं सकता या होना भी नहीं चाहिए। पर सीआरपीसी में कोई कोई प्रोविजंस है, जैसे कि हमने प्ली बार्गेनिंग में देखा था या फिर पार्डन टू अकम्प्लिस में देखा था, कि ऐसे कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसी का एक तरीका है सेक्शन 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ओके, तो इसमें क्या है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं केस में, हम विक्टिम को बुला रहे हैं, हम अक्यूज को बुला रहे हैं, और फिर उनके कंसेंट के बेसिस पे हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर रहे हैं। ओके, तो कंपाउंडिंग बिटवीन द अक्यूज पर्सन एंड विक्टिम होता है, तो वो दिया गया है सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आईपीसी के सेक्शंस दिए गए हुए हैं, और कैसे हम उसको कंपाउंड कर सकते हैं, किसके कंसेंट से कंपाउंड कर सकते हैं, वो दिया गया है। जैसे कि इसमें एक आप टेबल देखोगे सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 के नीचे, तो आपको मिलेगा सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी, मतलब सिंपल हर्ट। ओके, और अब अभी दूसरा एक टाइप का जो कंपाउंडिंग है, जो दिया गया है सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 में, दैट इज ओनली विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूसरा जो कंपाउंडिंग होगा वो ओनली विथ परमिशन ऑफ कोर्ट होगा। जैसे कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस चीज को याद रखिएगा, पूरा का पूरा टेबल आपको वीडियो को पॉज करके देखना है। सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 के नीचे इसका टेबल है, सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 के नीचे इसका टेबल है। ओनली वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग कि परमिशन ऑफ कोर्ट के साथ आप कौन सा ऑफेंस कंपाउंड कर सकते हो, तो वो है सेक्शन 325 और आईपीसी ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ओके, तो ये ग्रीवियस हर्ट जो है परमिशन ऑफ कोर्ट के बगैर कंपाउंड नहीं हो सकता। 323 जो है सिंपल हर्ट, जिस बंदे को आपने हर्ट किया है तो अक्यूज पर्सन और वो विक्टिम मिलके कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हैं। ध्यान से इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ इफ द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल मतलब ये दो जो टेबल अभी मैंने आपको बताया उसमें अगर आईपीसी का वो ऑफेंस फॉल हो रहा है, तो उसका अबेटमेंट या अटेम्प्ट भी कंपाउंडेबल हो सकता है। ओके, मतलब मैंने सिर्फ मदद की है किसी को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, फिर मैं भी उस विक्टिम को ढूंढ के क्या कर सकती हूँ कि मेरे ऊपर जो अबेटमेंट के चार्जेस है या अटेम्प्ट के चार्जेस है वो मैं कंपाउंड कर सकती हूँ। ओके, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, दैट इफ द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, मतलब ये दो टेबल्स में अगर आपका ऑफेंस फॉल हो रहा है, इफ द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, देन अबेटमेंट या अटेम्प्ट जो है उसका वो भी कंपाउंडेबल होगा। फिर ये जो चीज है कि अगर विक्टिम जो है 18 साल के नीचे है, अनसाउंड माइंड का है या लुनाटिक है, देन एनी पर्सन कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ मे कंपाउंड। ओके, अक्यूज तो मतलब अपना बड़ा है, पर ये जो विक्टिम है वो 18 साल के नीचे है या अनसाउंड माइंड का है या लुनाटिक है, तो इस केस में क्या है कि जो बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ऑन हिज बिहाफ वो भी कंपाउंडिंग कर सकता है, या फिर अगर डेड पर्सन है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकता है। और फिर ये चीज भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, कि इसमें क्या बोला गया है कि कमिटल ऑफ केस के बाद, मतलब कंपाउंडिंग कभी भी हो सकता है ना, तो कमिटल ऑफ केस के बाद भी लीव ऑफ द कोर्ट, जिसके जिससे हमने कमिट किया है, जिस कोर्ट की तरफ हमने कमिट किया है, उस कोर्ट की लीव ऑफ द कोर्ट के बाद हम ये कर सकते हैं कंपाउंडिंग। अपीलेट स्टेज पे भी हम कंपाउंडिंग कर सकते
करते हैं लीव ऑफ द अपीलेट कोर्ट लेके, ओके। और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो अपना रिविजनरी पावर है अंडर सेक्शन 401 सीआरपीसी, उसको यूज करते हुए भी बोल सकते हैं कि आप इस ऑफेंस को कंपाउंड कर लो, ओके। सो दैट इज व्हाट इज गिवन, मतलब कमिटल के बाद भी अपीलेट स्टेज पे भी और रिविजनरी पावर के अंडर भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो सकता है। बट ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक बंदे ने दो बार वही वही ऑफेंस किया है और उसके लिए उसे एनहांस्ड पनिशमेंट अभी मिलना चाहिए, ओके, तो उस केस में कंपाउंडिंग आप नहीं कर सकते कि एनहांस्ड पनिशमेंट है ड्यू टू प्रीवियस कन्विक्शन वो ऑफेंस के बेसिस पे, तो वो अभी आप फिर से उसको कंपाउंड नहीं कर सकते, ओके। एंड नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू आल्सो इज दिस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इफेक्ट क्या है कंपाउंडिंग का, तो वो इफेक्ट है एक्विटल जैसा, ओके। मतलब एज गुड एज द पर्सन इज एक्विटेड एब्जॉल्व्ड ऑफ द क्राइम ऑफ द ऑफेंस, मतलब एक्विटल का इफेक्ट आता है अगर आपने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस किया तो। ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, तो वो है एक्विटल फ्रॉम दी ऑफेंस, ओके। तो आई होप आपको सेक्शन 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस समझ में आ गया है। नाउ यहाँ पे मैंने बेयर एक्ट का पूरा सेक्शन लिया नहीं है, पर एंड में क्या बोला गया है कि बाकी किसी भी तरीके से नो अदर वे कैन बी मीन्स कैन बी इम्प्लाइड टू कंपाउंड दी ऑफेंसेस। फिर आप बोलोगे कि नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा क्यों बोला गया है कि कंपाउंडिंग ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, मतलब अगर सेक्शन 320 में बोला गया है वैसे ही कंपाउंडिंग हो सकता है, तो ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग तो हो ही नहीं सकता। बट हाई कोर्ट्स अंडर सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर्स कैन क्वाश द प्रोसीडिंग्स इफ द पार्टीज हैव कॉम्प्रोमाइज, मतलब बहुत बार ये हो जाता है कि 498A का केस है, ओके, डाउरी वगैरह का, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज। नाउ दिस ऑफेंस इज नॉट कंपाउंडेबल, पर फिर 482 सेक्शन में इनहेरेंट पावर्स के अंडर जब पार्टीज कोर्ट में जाएंगी तो वो हाई कोर्ट को दोनों मिलके क्या प्ली करेंगे कि आप इस प्रोसीडिंग को क्वाश कर दो, क्यों, क्योंकि हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दिया है। एंड वेरी एक मतलब ये तो हम मान सकते हैं, बट वेरी 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 सरप्राइजिंग फैक्ट इज ऐसा जो कंपाउंडिंग है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का, वो सेक्शन 307 में भी हो चुका है, ओके। हाई कोर्ट का जो पावर है सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, उसमें क्वाशिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जो है आईपीसी का, उसमें भी हो चुका है। तो इसलिए कंपाउंडिंग ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट जो है उसमें वो चीज हो सकती है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। फाइन, नाउ वील गो टू सेक्शन 321, दैट इज विड्रॉवल फ्रॉम दी प्रोसिक्यूशन। ये चीज़ ये सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विड्रॉवल फ्रॉम दी प्रोसिक्यूशन, क्यों वो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी हम क्या करते हैं आपके समझने के लिए, हम इसको कंपेयर करते हैं सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के विड्रॉवल से, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, ओके। तो सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 23 में कुछ भी हमें कंसेंट ऑफ कोर्ट नहीं लेना है, बिकॉज इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ प्लेंटिफ वेदर टू गो अहेड विद द सूट और नॉट, क्योंकि मैंने सूट इंस्टीट्यूट किया है, अभी मुझे नहीं चलाना है तो मैं विड्रॉ कर लूंगी सूट। हाँ, आपको अगर लिबर्टी टू फाइल फ्रेश वगैरह चाहिए तो उसमें जज को, मतलब उसमें आपको कंसेंट ऑफ कोर्ट लगेगा, परमिशन ऑफ द कोर्ट लगेगा, लीव ऑफ द कोर्ट लगेगा, बट अदरवाइज जो विड्रॉवल ऑफ सूट है दैट इज वेरी इजी, कि प्लेंटिफ को नहीं चलाना है तो सूट को आप विड्रॉ कर लो, ओके। बट ये क्या, अभी हमारी बात किसकी चल रही है, क्रिमिनल केस की, ओके। तो यहाँ पे विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इज नॉट एज सिंपल एज दैट, और ये क्यों नहीं है, तो फिर से रीजन वही है इसका कि ये जो क्राइम है वो क्राइम अगेंस्ट एंटायर सोसाइटी है, तो ऐसे ही मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो या विक्टिम भी हो, ऐसे ही जाके इस केस को विड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। यू कैन नॉट रिट्रैक्ट बैक नाउ अनलेस यू अचीव द एंड्स ऑफ द जस्टिस, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। सिविल में जितना ना
आपको इजी लगता है कि विड्रॉ कर लो सूट को, क्रिमिनल में ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियसली ये विड्रॉल इतना इजी नहीं होगा, वो बहुत ही कंडीशनल होगा। उसमें बहुत सारे कंडीशंस आएंगे कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन सी स्टेज तक कर सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो इस सब का आंसर हमें मिलेगा सेक्शन 321 ऑफ CRPC, विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में। नाउ वी विल गो अहेड विद दिस। यहाँ पे क्या बोला गया है, अभी हम ये सेक्शन 321 का बेयर एक्ट में आपको यही दिखेगा पूरा, मैंने ये कॉपी पेस्ट की कर रखा है, पर आपको मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वैसे आप उस सेक्शन को स्प्लिट कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे कि कौन विड्रॉ कर सकता है प्रोसिक्यूशन को, के हु कैन विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे ये बोला गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस में। ओके, तो यहाँ पे ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हाथ में बहुत ज्यादा पावर दे रखी है, एंड ही हैज द डिस्क्रिशनरी पावर वेदर टू विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन और नॉट। क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्रिमिनल ट्रायल में, इवन इफ यू अपॉइंट अ लॉयर टू असिस्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, तो मतलब असिस्ट टू पीपी जिसको हमने पढ़ा है कि विक्टिम अपनी तरफ से एक लॉयर लगाता है, पर वो भी कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, कुछ एविडेंस सामने नहीं ला सकता, वो सिर्फ काम करेगा अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, मतलब वो सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हेल्प करेगा, बट मेन मैटर कौन चलाता है, पीपी ही चलाता है। ओके, तो ये इसीलिए विड्रॉवल की वो भी जो पावर है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर रखी है। बट यहाँ पे कंडीशन है एक बहुत बड़ी कि हाउ डू वी विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, तो आफ्टर द कंसेंट ऑफ द कोर्ट ओनली। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत बड़ा डिफरेंस बताया है कि जैसे प्लेंटिफ जाके कोर्ट में एक एप्लीकेशन देके विड्रॉ कर सकता है, वैसे यहाँ पे नहीं है, कोर्ट भी अपना, द कोर्ट विल ऑल्सो अप्लाई इट्स माइंड कि मैं ये विड्रॉ होने दूँ या ना होने दूँ, एंड इट विल कीप इन माइंड द लार्जर पब्लिक जस्टिस, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बिफोर अलाउइंग द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ओके, तो हाउ इट इज डन, इट इज डन आफ्टर द कंसेंट ऑफ द कोर्ट ओनली। तो स्टेज क्या है, कौन सी स्टेज तक हम, और टिल व्हेन हम कैन वी विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे ट्रायल शुरू होता है और प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट पे ट्रायल खत्म होता है। ओके, तो बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड कभी भी आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ओके, नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट हुम, मतलब किसके अगेंस्ट हम विड्रॉ करेंगे प्रोसिक्यूशन। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपके पास दो अक्यूज्ड पर्सन है, ओके, वन एंड टू, दिस इज A1 A2 बोलेंगे हम इनको। तो ये A1 A2 में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल सिर्फ A1 के अगेंस्ट देता है। तो ये क्या अलाउड है, ये अलाउड है, ये बिल्कुल अलाउड है। फिर ये जो A2 है इसके अगेंस्ट दो तीन चार्जेस है, मतलब इसके अगेंस्ट ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी चार्ज है, फिर थेफ्ट का भी चार्ज है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। ओके, इसके अगेंस्ट, तो इसमें से एक चार्ज के लिए भी हम विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। तो ये बोला गया है यहाँ पे कि अगर एक से ज्यादा अक्यूज हो तो एक अक्यूज के अगेंस्ट, या फिर एक अक्यूज को बहुत ज्यादा चार्जेस हो तो एक या दो चार्जेस में भी हम विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन कर सकते है। ओके, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर ये ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप इसको याद रखिएगा। नाउ यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विड्रॉल, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पर हमने इतनी पढ़ाई कर रखी है सीआरपीसी को तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगर ये विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन होता है तो इफेक्ट विल बी ऑफ डिस्चार्ज। ओके, ये आपको सबको पता है, इफ इट इज मेड बिफोर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड द अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंसेस, और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगर ये होता है तो एक्विटल का इफेक्ट मिलेगा। ओके, तो ये आपको मतलब समझ में आ जाएगा वैसे तो लॉजिकली, बट फिर भी अगर नहीं है तो आप इसको ध्यान से याद में रखिएगा कि बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस डिस्चार्ज का इफेक्ट होगा, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एक्विटल का इफेक्ट होगा।
ओके नाउ यहाँ पे एक छोटी सी चीज है कि हमने क्या बोला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हाथ में पूरी पावर है, पर ये चार कंडीशंस दे रखे हैं कि प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस वाज अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। ओके तो आपको ये चीज को पढ़ना है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स का मतलब क्या है। फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर जो इन्वेस्टिगेशन कर रखा है, मतलब आपको पता होगा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर ही सीबीआई भी इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप यू ऑल नो दिस। तो अगर ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से इन्वेस्टिगेशन हो रखी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है जिसका मिस अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रक्शन डैमेज हो गया है या फिर कोई पर्सन है जो सर्विस में है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ओके ये चार कंडीशंस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि कौन से वो चार कंडीशंस है जिसमें प्रोसिक्यूटर को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। ओके अगर प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया है तो बात अलग है, पर अगर नहीं किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। हाँ भाई हम भी कंसेंट कर रहे हैं कि आप विड्रॉ करो प्रोसिक्यूशन को ये चार केसेस में सिर्फ, तो उसमें ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल दे सकता है। ओके तो ये परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार केसेस में, किसकी परमिशन? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, क्योंकि लॉजिकल है कि आप डैमेज किसकी प्रॉपर्टी को कर रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहाँ पे पर्सन जो है कहाँ पे एम्प्लॉयड है? इन दी सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके या फिर क्या है ये लॉ जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज एक्सटेंडिंग टू इट, या फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करा है, ये चार केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए? विड्रॉवल के लिए। ओके तो ये चीज आपको याद में रखनी है। नाउ वी विल गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन विड्रॉवल। ओके तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या रोल प्ले करेगा विड्रॉवल के केस में? तो पब्लिक, हमने अभी देखा कि कौन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन कौन, किसका ये प्रेरोगेटिव है, तो वो तो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही, हु इज इन चार्ज ऑफ द केस। ओके पर ये अगर ये प्राइवेट कंप्लेंट केस है तो प्राइवेट कंप्लेंट केस में पीपी नहीं कर सकता एप्लीकेशन टू विड्रॉ। ओके प्राइवेट कंप्लेंट केस क्या होता है आप सबको पता है, हम मैजिस्टेरियल कंप्लेंट करते हैं उसके बाद जो केस इंस्टीट्यूट होता है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कर सकता ये एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल। ओके बट नाउ आप सबको पता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट रूम में किसको रिप्रेजेंट करता है। हमने बहुत बार ये पढ़ा है कि ऑल द क्रिमिनल केसेस कैसे चलती है कि स्टेट वर्सेस एबीसी। ओके ये स्टेट वर्सेस एबीसी होने के कारण क्या है कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सिंपल सी बात है। तो अभी ये क्लाइंट और लॉयर रिलेशनशिप हो गया कि क्लाइंट कौन है, गवर्नमेंट है, और उनका लॉयर कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ओके तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द स्टेट, सो शुड ही टेक द परमिशन और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टेट बिफोर विड्रॉवल। ये चीज को बहुत, मतलब इससे बहुत ज्यादा केस लॉ बन गया है, तो इससे सब, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ है शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये सेक्शन पढ़ते टाइम या इसका आंसर लिखते टाइम आपको इसको मेंशन करना ही करना है। ओके नाउ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इसी नाम का मतलब, अगर आप साइटेशन वैसे नॉमिनल सर्च कर रहे हो तो 83 साल का भी एक जजमेंट है तो आपको उसको भी पढ़ना है, पर ये रिव्यू करके जो 87 साल का आ गया है वो फाइनल है। ओके तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसका साइटेशन नंबर दे दिया है आपको रेफरेंस। तो आपको क्या सब, मतलब हम क्या बोल रहे थे कि पीपी जो है क्या उसको स्टेट की परमिशन लगेगी बिफोर विड्रॉवल। ओके तो क्या आंसर दे रखा है इसमें? तो पहला जो 83 साल का मैं आपको बता रही थी जो शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि हाँ भाई वो तो लॉयर और क्लाइंट का रिलेशनशिप है स्टेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में, तो स्टेट ने ही अगर विड्रॉल करना है तो ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉ कर सकता है। और अगर मतलब द कोर्ट हैड गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि अगर स्टेट ने बोलने के बावजूद भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को विड्रॉ नहीं करना है एप्लीकेशन तो वो खुद का रेजिग्नेशन दे दे।
ओके, तो इतना एक्सट्रीम व्यू ले रखा था पहले जो शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ था उसमें पर। और सही भी है, मतलब आप देखो कि अगर आप एक सिविल सूट भी लड़ रहे हो और आपका एक लॉयर है कोर्ट में और वो खुद से जाके कोर्ट में आपका केस विड्रॉ कर देता है, तो क्या ये सही है? वैसे तो ये देखा जाए तो सही नहीं है, ओके, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शनरी हु हैज बीन वेस्टेड विद सम पावर्स अंडर सीआरपीसी। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉर्मल बंदा लॉयर है और वो खुद से कुछ कर रहा है, क्योंकि उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स सीआरपीसी में ही दिए गए हुए हैं, स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए हुए है। ओके, तो इसलिए शिवनंदन पासवान का जो रिव्यू हो गया था और 87 साल का जो जजमेंट है जिसका रेफरेंस नंबर मैंने आपको दिया है उसमें क्या बोला है, डिसीजन वाज रिव्यूड एंड पीपी वाज सेड टू हैव द डिस्क्रिशनरी पावर टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला भी कि आप ऑर्डर कर दिया या डायरेक्ट कर दिया पीपी को कि आप विड्रॉ कर दो, फिर भी पीपी हैज टू अप्लाई हिज ओन माइंड एंड इन गुड फेथ ही हैज टू विड्रॉ। ओके, पर ओनली का लिमिटेशन क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कंसेंट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, वो एप्लीकेशन जो हम विड्रॉल का डालेंगे उसमें कंसेंट ऑफ कोर्ट होना जरूरी है। ऐसे नहीं, स्टेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल ज्यादा है कि वो डिसाइड करेगा कि मुझे विड्रॉ करना है प्रोसिक्यूशन या नहीं करना है। इसलिए आपको अगर रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे कुछ नोट वगैरह आता है तो सेक्शन 321 आपको मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी रोल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आपको समझ में आएगा, एक डिस्क्रिशनरी पावर आपको समझ में आएगी कि वो और वो ही सिर्फ विड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन कर सकता है। ओके, नाउ रीजंस व्हाई प्रोसिक्यूशन कैन बी विड्रॉन। अभी हमने ये सब देखा कि विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन हो सकता है, बट भाई हम क्यों करेंगे विड्रॉ? मतलब हमारा अल्टीमेट गोल क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि अक्यूज्ड को हमें फांसी तक पहुंचाना है। फांसी इज वेरी एक्सट्रीम, तो कैपिटल पनिशमेंट में भी अबैंडन्ड ऑल्सो, बट नाउ इन सम सर्टन कंट्रीज, बट मतलब मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि अक्यूज्ड को हमें बिहाइंड बार्स देखना है, कि उसको हमें बुक करना है, तो ऐसे ही बीच में हम प्रोसिक्यूशन क्यों विड्रॉ करेंगे? ओके, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजंस मेंशन किए गए हुए नहीं है सीआरपीसी में। ओके, तो ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा, बट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पब्लिक जस्टिस, इसके बेसिस के ऊपर ये विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो मुझे पता है कि ये टर्म्स थोड़े वेग है, तो इसीलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ यहाँ पे। दो ये जो एप्लीकेशन है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का वो रिजेक्ट हो गया था, पर ध्यान से सुनिए, ये स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, ये जो है यहाँ पे आप याद रखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि ये फूलन देवी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या था कि फूलन देवी ने बहुत ज्यादा मर्डर वगैरह किए थे और भी मतलब लूटिंग, डकैती वगैरह, ऐसा सब चीजें उसने कर रखी थी। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गया था। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी ने क्या कर दिया, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दी विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की। और क्यों एप्लीकेशन उन्होंने डाल दी विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की, तो उन्होंने क्या बोला, फूलन देवी जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज, बहुत ज्यादा अत्याचार किया था हायर कास्ट के लोगों ने, तो इसीलिए उसका रिवेंज लेने के लिए उसने ये सारे ऑफेंसेस करे हैं, ऐसा हमारे सामने आ गया है। तो अभी हमें उसके अगेंस्ट, फूलन देवी के अगेंस्ट हमें प्रोसिक्यूशन नहीं चलाना है। ओके, बट यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने क्या कर दिया था और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी क्या किया था कि ये जो विड्रॉवल ऑफ प्रोसिक्यूशन का एप्लीकेशन है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा कि कास्ट वॉर हो जाएगा। तो ये आपको याद में रखना है कि ऐसे वेरिड और मतलब डाइवर्स रीजंस हो सकते हैं कि क्यों प्रोसिक्यूशन को अपना केस आगे चलाने का मन नहीं करेगा। ओके, पर ये ऐसे मतलब ये जो टर्म्स है ये आपको याद रखने हैं कि जैसे स्टूडेंट एजिटेशंस हो रहे हैं, वॉयलेंस हो रहा है वगैरह, तो ऐसे केसेस में पॉलिटिकल फिगर से रिलेटेड अगर कुछ है तो ऐसे केसेस में हम विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम्स है उसमें, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।
नाउ रेमेडी अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 321 क्या है? ओके, तो अपील तो हम नहीं कर सकते इस ऑर्डर के बेसिस पर हम रिविजन में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 397 ऑफ सीआरपीसी. ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो अपील कैन लाई बट रिविजन अंडर सेक्शन 397 सीआरपीसी कैन लाई फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी, मतलब ये जो विड्रॉवल का ऑर्डर है वो. ओके, नाउ मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बिकॉज दिस इज अ ग्रे एरिया इन लॉ, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ. अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ असर्टिव आंसर दिया होता तो हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते इतना ज्यादा, पर यहाँ पे क्या क्या है कि डू यू थिंक लार्जर रोल शुड बी एट्रीब्यूटेड टू विक्टिम ऑफ द ऑफेंस इन केस ऑफ विड्रॉवल ऑफ द प्रोसिक्यूशन? ओके, तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से सोचिएगा कि वैसे तो सबसे ज्यादा लॉस एक ऑफेंस में, हम बोल तो रहे हैं कि वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, पूरे सोसाइटी की सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है वगैरह, पर मेन सफरर कौन है क्राइम का? वो तो विक्टिम ही है ना. सी, मतलब वो ऐसे नहीं है, वो तो विक्टिम ही है. अगर किसी का कोई मरा है, ओके, किसी के ऊपर रेप हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, तो वो विक्टिम ही है जो मेन सफरर है क्राइम का. तो आपको नहीं लगता क्या कि उसका ज्यादा रोल होना चाहिए ये विड्रॉल में? हम तो सब रोल किसको दे रहे हैं, हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूरा रोल दे रहे हैं. इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट ही है. मतलब आप कितना भी बोलो कि उसको आप इंडिपेंडेंटली, उसने खुद का जजमेंट लगाना है, कुछ भी करना है, पर इसको अपॉइंट तो कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट ही. ओके, तो इसके लिए ऐसा एक थॉट प्रोसेस आगे आ रहा है, ओके, स्ट्रीम ऑफ थॉट आगे आ रहा है कि विक्टिम का रोल बहुत ज्यादा होना चाहिए. तो देयर शुड बी अ लोकस स्टैंडाई गिवन टू द कंप्लेनेंट और विक्टिम टू मेक इट्स रिप्रेजेंटेशन इन सच विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन. ओके, मतलब कंप्लेनेंट का या विक्टिम का ओपिनियन या फिर उसका से लिए बगैर हमने एक्चुअली विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सब ट्रायल हो रहा है इसका पूरा मतलब ये किसके बिहाफ पे हो रहा है, क्योंकि कोई विक्टिम है, किसी ने सफर किया है, इसीलिए ये ट्रायल हो रहा है. तो इसके लिए देयर शुड बी अ लार्जर रोल एट्रीब्यूटेड टू दी विक्टिम ऑफ द ऑफेंस व्हाइल वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन. मतलब मैंने उसका आंसर भी आपको दे रखा है, पर आपको केस लॉ ढूंढ के, अलग अलग हाई कोर्ट्स के ओपिनियंस ढूंढ के, मे बी यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ केलकर बुक और आपको एक अच्छा सा आंसर इसका तैयार करना है. ओके, दैट वेदर यू थिंक लार्जर रोल शुड बी एट्रीब्यूटेड टू द विक्टिम ऑफ ऑफेंस इन केस ऑफ विड्रॉवल ऑफ द प्रोसिक्यूशन. सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी. इन द नेक्स्ट पीपीटी वी विल मूव अहेड. थैंक यू.